फिल्म के हवाले से। देखिए जी, मैं पहले भी साथियों को बता रहा था कि मेरा तलक भी कराची से है, और जो लोग कराची को जानते हैं, जो कराची को समझते हैं, कराची रोशनियों का शहर था, लेकिन जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर आई और पूरा पाकिस्तान इसका शिकार हुआ, स्पेशली कराची, कराची में कराची की रोशनियों को बहाल करने में हमारी आर्मी का और पुलिस का और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी थी उनका बड़ा रोल था। और ऐसे लोग जो गुमनाम हैं, जो शहीद हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, उनकी फिल्म, उसके ऊपर फिल्म बनानी लोगों के नज़दीक एक डेड सब्जेक्ट था कि जिससे रिटर्न कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमने जो भी कौमें हैं वो अपने हीरोज़ को अगर याद नहीं रखती तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। तो ये इसकी एक हम छोटी सी कावश की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जितने भी हमारे लोग हैं जो शहीद हैं उनके ऊपर हम इस तरह की बायोग्राफी बनाते रहेंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने सुना कि जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो हमेशा पूरी दुनिया से, उसको सफासती से मिट जाती हैं। इसलिए अपने शहीदों को, अपने जवानों को याद रखना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में आपका नाम और आपका मकाम हो। जी जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फिल्म की प्रोड्यूसर को डायरेक्टर नेहा लाज मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इतना बड़ा स्टेप जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए उनके टांगे कांपती है, वो डरते हैं कि उनका पैसा, सारे का सारा पैसा मर ना जाए। इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और एक शहीद के ऊपर फिल्म बनाई है, उस वाले से बात करेंगे, क्या कहती हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नेहा? अल्लाह का करम। नेहा, इतना बड़ा स्टेप इतनी छोटी सी उम्र में, माशाल्लाह, दिल जिगर गुर्दा कहाँ से इतना बड़ा लेके आई आप? सर पता नहीं कहाँ से, जब चौधरी साहब के बारे में सुना तो सोचा तो बड़ी सारी हिम्मत आ गई, और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हिम्मत बढ़ती गई। तो बस आप ये कहें कि वो एक जज्बा था कि बस अपने अपने मुल्क के लिए कुछ करें। फोर्सेस के लिए तो हमें काम करना चाहिए, पर मुझे लगा कि पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, फिल्म में कौन सी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको पेश आई हैं जिस हवाले से हमारे नाज़रीन को जानना चाहेंगे? इसके लिए मैं इंटरव्यू देने बैठूंगी ना, कम से कम 2 दिन लगेंगे, तो इसलिए ये ना पूछे। थोड़ी सी बता रहे हैं मुझे, असल में इसमें कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे कास्ट की डेट का बड़ा इशू होता था, क्योंकि एक एक वक्त में 6-6 आर्टिस्ट होते थे, तो एक दिन में सबकी डेट्स मिलना बड़ा मुश्किल होता था। उसके लिए मैंने बहुत मतलब इतना टाइम लगा, लोग बोलते थे कि पूरी क्यों नहीं हो रही है। अब उनको टेक्निकल चीज़ें तो नहीं पता ना कि मुझे आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं या चीज़ें नहीं हो रही हैं, कभी लोकेशन का इशू हो गया कुछ ना कुछ। फिर ज़ारा आबिद की डेथ हो गई थी, उसको रीशूट करना पड़ा, उसको हम ज़ारा हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आई हैं अभी, इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स हैं। ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में, पूरी फिल्म को पूरी कराची में बनी है, कराची में बनी। 24 तारीख को आ रही है, 24 को आ रही है। देखने वाले को मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के वसल से? मैं कहूँगी इसको तनकीद की नज़र से नहीं देखिएगा, आप इसको एंजॉय करें मूवी को, और अगर आप लोग को अच्छी लगे तो फोर्सेस ज्वाइन करें। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।